फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता रेसिपी जंक्शन। तो आज हम साउथ इंडियन डिश बनाने वाले हैं। तो आपने अगर डोसास तो बहुत सारे हमने खाए हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के डोसा होते हैं, रवा डोसा, उरद डोसा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डोसा होते हैं। तो इस टाइम मैं आज आपको अलग डोसा बनाने सिखाऊंगी, जो कि आपको होटल्स में बहुत कम मिलेंगे और ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। नॉर्मली कर्नाटक के आसपास आपको ये डोसा खाने मिलेगा, लेकिन होटल्स में बहुत कम मिलता है। तो आज मैं आपको बनाना उसे सिखाऊंगी। तो देखते हैं हम इसके लिए क्या तैयारी रखेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उरद दाल भिगो के रखा था 2 से 3 घंटे तक। अभी हमें इसे पीसना है अच्छे से। और मैदा मैंने यहाँ पे 5 से 6 घंटे तक भिगा कर रखा था। आपको पहले मैदे को लेना है और उसे अच्छे से घोलना है। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट इस तरह से लिया है, जैसे एक बाउल अगर उरद दाल है तो उसका डबल मैदा होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से भिगो कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी उरद दाल और 4 कटोरी मैदा मैंने इसमें घोल कर भिगाया था। तो ये मैदा पूरा नीचे बैठ जाना चाहिए इस तरह से, और उसका पानी जो है वो ऊपर आ जाना चाहिए, जो कि ये पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ये पानी को फेंकेंगे। पहले हम उरद दाल को अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे उरद दाल अच्छे से पीस लिया है। इसका कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। मैंने हल्का हल्का पानी डाल के उसे अच्छे से पीस लिया है घर पर। और ये जो मैंने मैदा आपको भिगाया हुआ दिखाया था, उसका पानी मैंने निकाल दिया है, और ये जो मैदा है वो बच गया है इसमें। अब हम इस दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ये मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें अदरक और मिर्च, मैंने 1/2 इंच अदरक और 2-3 ग्रीन चिलीज इसमें डाल के मैंने एक दलदला सा पीस के लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। बहुत ही इजी डोसा है और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। चलिए, तो नॉनस्टिक पैन मैंने यहाँ गर्म करने रखा है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे अच्छे से इस पर डालेंगे इस तरह, और इसे अच्छे से इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और हल्का तेल डालकर आप इसे लेड से ढक दीजिए। देखते हैं, तो अभी हम इसे पलट देंगे दूसरी तरफ। बहुत ही सॉफ्ट डोसा होता है ये, मैदा इसमें जो होता है तो सॉफ्ट हो जाता है ये डोसा। बहुत ही टेस्टी भी लगता है। अदरक और मिर्च का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया लगता है इस डोसे में। एक 2 मिनट तक आप इसे, 2 मिनट भी नहीं, उससे कम भी अगर आप इसे अच्छे से रोस्ट होने दीजिए दूसरी तरफ से। तो हमारा जो ये डोसा है रेडी हो चुका है। देखिए, ये रोस्ट इस तरह से हो गया। आप अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए, और एक डोसा बना लेते हैं। इसी तरह से आप जितना डोसा खाना चाहिए उतना बनाते जाइए। तो देखिए, ये उरद मैदे का डोसा रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी लग रहा है देख के, और जिंजर और ग्रीन चिलीज का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसमें। तो आप इसे आप ज़रूर घर पर बनाइए। अब डोसा के साथ तो चटनी तो ज़रूर बनती है। तो चलिए, इसकी चटनी भी हम देख लेंगे इस बार। तो मैंने यहाँ पे एक पूरा नारियल, ग्रेटेड नारियल गीला वाला, मैंने कस के रखा हुआ है कद्दूकस करके। थोड़ी सी इमली ली है, और उसमें डालने के लिए 1/2 इंच अदरक और 2-3 ग्रीन चिली। अब हम इसे चटनी की तरह पीस लेंगे अच्छे से। कोर्स, फाइन कोर्स होना चाहिए। चलिए, तो ग्राइंड कर लेते हैं। स्वाद नमक स्वाद अनुसार डालिए आप इसमें, और पानी डालकर आप इसे चटनी की तरह पीस लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये चटनी मैंने बनाई है अच्छे से। और अगर आप सीजनिंग्स देना चाहेंगे तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सीजनिंग नहीं डालूंगी। तो इस तरह से मैंने इसे सजावट की है। तो आप इसे ज़रूर घर पर बनाइए। इसका नाम है उरद मैदा डोसा है, लेकिन मैंने उसका नाम उर्मा रखा है, उर्मा डोसा। आप इसे ज़रूर घर पर बनाइए। बहुत ही इजी डिश है और दिन भर में बन जाता है। अगर आपको शाम को बनाना है तो आप सुबह से मैदा भिगाइए, उरद दाल 2 घंटे, और इसे फर्मेंटेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं, और मेरे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये डोसा कैसे लगा। उर्मा नाम है इसका। तो आप ज़रूर इसे बनाइए, और मेरे चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।